सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में जैसे कि हम पुराने लेक्चर में अपने सतत आवेश वितरण के कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे, इसका ही कुछ एक बहुत विशेषतम उदाहरण की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ऐसा ही एक क्वेश्चन भी दे रखा है और हमें सीखना भी होगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन का यूज करके हम लोग अपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, जिस तरीके से चर्चाएं अपनी चल रही थी बच्चों, उसमें हमने सीखा था कि जब रेखीय आवेश वितरण होता है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आपका आवेश उपस्थित होता है, तो हमने एक वृत्तखंड की वजह से देखा था। इस बार अपने पास है एक रिंग, रिंग समझते हैं जिसे हिंदी में वलय बोलते हैं। इस रिंग की वजह से, इस रिंग का, जैसे ये मान लेते हैं रिंग है ना, इस रिंग का सेंटर होगा, इस सेंटर से किसी दूरी x पर, मान लेते हैं भाई रिंग का सेंटर जो है बेटे वो आपका क्या है, O है। रिंग का सेंटर हमने क्या कहा है, O कहा है, तो रिंग का सेंटर O है और हमें किसी बिंदु P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E देखनी है। बात एकदम स्पष्ट है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अच्छा क्या दिया है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, R जो है त्रिज्या दी है, O से बिंदु P तक की दूरी की अगर बात करें, O से बिंदु P तक की दूरी x दी हुई है और इस रिंग पर जो आपका रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो पुनः ही हम लैम्डा मान रहे हैं, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना यहां तक। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र का मान या उसकी दिशा देखते हैं, दिशा कहां होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट जिसे मैं डीएल थिकनेस का एलिमेंट कह रहा हूं, और ये जो बहुत छोटा सा डीएल एलिमेंट है ना बेटे, इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डीक्यू। तो डीक्यू चार्ज की अगर मैं वैल्यू पूछो तो क्या होगी भाई, रेखीय आवेश घनत्व की गुणा कर दीजिए जो भी लंबाई है डीएल से, सही है। अब कह देते भाई कुल क्यू चार्ज इस रिंग पर है, कुल चार्ज कितना उपस्थित है रिंग पर, क्यू है। ठीक है, तो वलय पर उपस्थित कुल चार्ज कितना हो गया बेटे आपका, कैपिटल क्यू। ठीक है, अब इस डीएल की वजह से जिसपे हमारा डी क्यू चार्ज उपस्थित है, इसकी वजह से पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसा ये डी क्यू ऊपर है ना, एक ऐसे ही ठीक सिमेट्रिकली नीचे भी होगा, और इस dQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE इधर आ रही है ना बच्चों, ये DE आ रही है, ये थीटा एंगल बनाती हुई, ऐसे ही इस नीचे वाले की वजह से बच्चों ऐसा ही जो है एक DE ऊपर की तरफ आएगी। अब रिंग पर हर एक कोने के व्यास के विपरीत दिशा में, या हम कहें व्यास, इसी जैसे ये कोना हो गया रिंग का, इसके व्यास को छूने वाले सामने ही, जिसे हम कहेंगे ठीक है डायमेट्रिकली अपोजिट, एक डीक्यू चार्ज होगा। जैसा कि मैंने कंडीशन बताई, एक यहां है तो एक यहां होगा, एक यहां है तो एक यहां होगा, यहां है तो यहां होगा। तो इन डीक्यू की वजह से जो फील्ड आएगी ना, वो एक डी अगर नीचे आएगी तो दूसरी की वजह से ऊपर आएगी। तो आप देखिए, इनके ना जो आपके ऊर्ध्व घटक है यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट होंगे वो तो हो जाएंगे कैंसिल, और केवल जो कंपोनेंट बचेगा वो बचेगा आपका हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा ही होगा, और ये जो कंपोनेंट बचेगा वो बचेगा केवल डीई कॉस थीटा। तो हम केवल कुल डीई कॉस थीटा ही देखें, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो आपकी आकृति है ये सममित आकृति है, एक सिमेट्रिक रखती है, जिसकी वजह से सिमेट्री रखने की वजह से अगर DE नीचे है तो एक DQ जो होगा इसके ठीक सामने होगा, उसकी वजह से ऊपर होगा DE जो वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा होगा। ठीक है, आसान बात है ना, इतनी बात तो समझना।
तो इससे हमें ये समझ में आया कि केवल कैसा घटक बचेगा, छह क्षैतिज घटक बचेगा जो बाहर की तरफ भाग रहा होगा। ठीक, अब बेटे अगर मैं आपसे पूछूं ये जो बिंदु है, लेट अस से इस बिंदु को मैंने कह दिया आपका एस, ठीक है, ये आप देखिएगा डी क्यू चार्ज जो माना है, तो एस से पी तक के बीच की दूरी को मैं कह रहा हूं स्मॉल आर, यानी कि ये जो डॉटेड व्हाइट लाइन है ना इसे स्मॉल आर कह रहे हैं। तो इसे स्मॉल आर की भी वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो आर का मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, एक्स ओपी दूरी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधार जो कि आपका एक्स है एंड बाई एक्स बाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, आर मिल गया, एक्स कॉस थीटा मिल गया। अब हम ई नेट की अगर बात करें बच्चों, तो डी ई नेट बराबर होगी डी ई कॉस थीटा के, तो बात कर लेते हैं डी ई की वैल्यू कितनी होगी, डी ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डी क्यू चार्ज की वजह से, तो हो गया के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर। अब डी ई नेट के लिए इसकी वैल्यू हम इक्वेशन, इसे मैं बच्चों कह रहा हूं इक्वेशन वन, इसे कह रहा हूं टू, इसे कह रहा हूं थ्री, तो इसे डी ई नेट को कैलकुलेट करने के लिए हम तीसरे में डी ई की वैल्यू रख देते हैं, जो हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान तो आपको पता ही है, तो ये हो गया के डी क्यू कॉस थीटा कितना हुआ एक्स बटे स्क्वायर रूट ऑफ, अभी हम आर ही स्क्वायर लिख देते हैं भाई, एक्स अपॉन आर ही तो होगा, इसे एक्स बटे आर ही लिख देते हैं, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक्स बटे आर किसका मान रखा है बेटा यहाँ पे कॉस थीटा का मान रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया के डी क्यू बाई आर क्यू, जिसे पुनः हल करेंगे तो डी ई नेट बराबर हो जाएगा के एक्स रह गया के डी क्यू एक्स बाई आर क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इसका करना होगा इंटीग्रेशन, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन क्या निकालने के लिए, नेट फील्ड निकालने के लिए। तो आप देखिए के भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, एक्स भाई दूरी है जो कि हमें किसी निश्चित बिंदु पर ही देखना है, तो एक्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, आपका आर भी कांस्टेंट है, तो आर क्यूब भी बाहर निकाल लिया, बचता है डी क्यू। डी क्यू यानी कि कंप्लीट इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा पूरा चार्ज, भाई छोटा डी क्यू है, अगर ऐसे कई सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू लेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है, समाकलन का मतलब ही यही होता है कि ऐड कर दो, तो ऐसे कई सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलेंगे, तो पूरा चार्ज रिंग का बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू। ठीक है, और कैपिटल क्यू के एक्स बाई आर क्यूब, आर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इसकी घात रखेंगे 3। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात एकदम आसान है समझने के लिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बेटा आपका ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना आ जाएगा। अब के की वही अगर मान रख दें के का, तो ये के का मान रखने पे हो जाएगा क्यू अपॉन 4π ε₀ एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां तक मुझे लगता है सभी को सब कुछ क्लियर होगा। अब इसमें दो चार चीजें हैं कि डायरेक्शन कैसी रहेगी, ग्राफ कैसे बनेगा एक्स की वजह से, और अगर सेंटर पे फील्ड निकालना चाहें तो वो कितनी होगी, इन तीन चार चीजों का डिस्कशन होता है, तो एक एक करके सारा डिस्कस करते हैं, उससे पहले इसे नोट करिए। तो बच्चों अब इस सूत्र को दूसरे तरीके से भी देखते हैं। देखिए आपका क्यू पूरा चार्ज है रिंग पे, तो अगर हमें प्रति एकांक लंबाई पर हमें आपका आवेश दे रखा हो जैसे लैम्डा कहा गया, तो कैपिटल क्यू क्या लिखा जा सकता है भाई, पूरी लंबाई क्या होगी 2πr, रेडियस होगी, और आपकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना है लैम्डा है,
तो क्यू की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। खैर, हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने लिखा है। अब आप देखें कि आपसे पूछा जाए कि वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वलय के केंद्र पे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो वलय के केंद्र पे अगर जाना है तो देखिए पीछे स्लाइड पे x की वैल्यू हमें जीरो रखनी पड़ेगी। तो हमने x की वैल्यू रख दी जीरो। जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आप देखें e की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। यानी कि सेंटर ऑफ द रिंग, अगर वलय के केंद्र की बात करें तो सेंटर ऑफ द रिंग पे जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे वो कितनी है, जीरो है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है ये कुछ इस तरीके से बेटा अपना वलय था, इस वलय से हमने एक्स बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जो कि इधर की तरफ आ रही थी, तो ई अगर एक्स आपका कैसा है, मैं कह रही, तो चलिए बच्चों इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। मैं बेटे इसे कह दिया वाई एक्सिस और इसे कह दिया एक्स एक्सिस। तो अभी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर मैं एक्स की वैल्यू निगेटिव कर दूं तो एक्स की वैल्यू निगेटिव करने पर ई कैसा हो जा रहा है, निगेटिव। यानी कि अगर मैं निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलूं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इधर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलूं, यानी कि मैं इधर करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी निगेटिव हो जानी है। निगेटिव की डायरेक्शन है कि इधर की तरफ, तो आप रिंग के इस साइड है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। आप रिंग के विपरीत दिशा में पीछे की तरफ है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीछे की तरफ बाहर की तरफ ही होगी। अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है, अगर क्यू चार्ज नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे दोनों केसेस में। सिंपल ही बातें हैं अभी तक। अब बेटे क्या कोई ऐसी भी जगह रही होगी जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मैक्सिमम है? बिल्कुल रही होगी। कैसे पता, मुझे कैसे पता? देखो बच्चों, जब आप x की वैल्यू जीरो कर रहे हो, आप ध्यान से समझना, जब x की वैल्यू हम जीरो कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, e is equal to v zero मिल रहा है, ठीक बात है। और जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हैं, x की वैल्यू इनफाइनाइट रख रहे हैं, तब भी बेटे क्या मिल रहा है हमें, तब भी हमें e जीरो ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि जीरो से शुरू हुआ जीरो ही हो गया, ऐसी कोई बीच में एक वैल्यू तक ये बड़ा होगा उसके बाद ये घटा होगा, तो अपने ये अधिकतम मान तक पहुंचा होगा फिर पुनः शून्य पे आया होगा। तो निश्चित तौर पर x के किसी मान के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रही होगी। वो क्या मान है, वो कैसे देखा जाए, तो बहुत आसान तरीका ये है इसको करने का, वो है डिफरेंशिएशन। मैक्सिमा मिनिमा अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप उसे लगा सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा हो तो व्युत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। तो बेटा मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना है, हमें x के सापेक्ष देखना है ना कि क्या परिवर्तन है E में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन। अब q अपॉन 4πε0 तो एक कॉन्स्टेंट है, तो हम कहते थे भाई इन्हें c कह दिया, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, नीचे वाले का करना है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो बचेगा क्यूब। अब बेटा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो ऐसे, और नीचे वाले को रहने दो वैसे ही जैसा वो था, ठीक है। अब ऊपर वाले को ही ऐसे रहने दो और नीचे वाले का कर दो डिफरेंशिएशन। तो जब नीचे वालों का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यह आएगा 3/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी लेना पड़ेगा, चैन रूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो बेटा ये आ जाएगा। अच्छा, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, डीई बाई डी एक्स को रखना होता है 0, तो 0 रख दिया, तो यहां पर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर आ रहा है -3x, ठीक। अच्छा, यहां पर क्या आएगा, पावर भी बची है अपने पास, तो 3/2 में से -1 करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 3x स्क्वायर।
अच्छा ये जीरो हो गया तो इधर की तरफ आने पर प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक काम करें दोनों पक्षों में कर दें वर्ग, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्यूब, और यहां पे हो जाएगा 9। जस्ट वन सेकेंड। तो बेटा अब क्या करते हैं इसमें कि यहां पर ये इसको डिवीजन में ले जाएंगे, तो आप देखो कि ये पावर 1 बाई टू है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 बाई टू है, इसको आप जब डिवीजन में ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 बाई टू माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब पावर भाई भाग में पावर घट जाती है, इफ यू आर डिवाइडिंग टू फ्रैक्शन, मतलब आप अगर डिवाइड कर रहे हैं दो फंक्शन को जो सेम है और डिफरेंट पावर रखते हैं तो डिवीजन में पावर आपके सब्सट्रैक्ट होती है। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बाई टू माइनस 1 बाई टू, यानी कि डेढ़ में से आधा गया, एक बचा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर आप इसे फिर से सॉल्व करते हैं तो मैं यहां पर आपको आगे सॉल्व करके दिखा देता हूं इस सेक्शन में अपने। तो बेटा यहां पे हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x बराबर r बटे रूट टू आ जाएगा, यानी कि x की किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू r बटे रूट टू पर आपकी आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब वो कितनी होगी इसके लिए हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। E मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x डिवाइडेड बाय, अब x की जगह क्या रख दें, r बाय रूट टू, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, r बाय रूट टू है ना। यहां से देखिएगा फॉर्मूला जो लिखा हुआ है E का, सबसे पहले ऊपर दिख रहा है ऊपर एकदम, हाँ तो ये बेटा ये आपको दिख रहेगा यहां से कि r बाई रूट टू का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाई टू, तो x की वैल्यू r स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा आपका 3 बाई टू आर स्क्वायर की पावर 3 बटे 2। अब आप इसे और सॉल्व कर लीजिए, थोड़े से कैलकुलेशन ज्यादा है पर समझना तो है। अब जेई ऐसा तो है नहीं बेटा आपको एकदम इतना ही आसान होगा, है ना, जेई की तैयारी में मजा तो है, मेहनत तो लगती है। तो आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक। तो और सॉल्व करें तो देखो ई मैक्स एकदम मेरे सर के ऊपर आ गया ये तो, अब है ना, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा बेटा आपका वन बाई थ्री रूट सिक्स। अब रूट सिक्स नहीं आएगा, रूट टू आएगा, क्यों आएगा मैं आपको समझाता हूं। ये टू बचा था ना अपना थ्री बाई टू का, तो ये ऊपर गया, और टू की पावर कितनी है, टू की पावर है थ्री बाई टू, जो कि हो जाएगा टू रूट टू, तो रूट टू से रूट टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू थ्री रूट टू आर स्क्वायर, और जो कि क्या हो जाएगा आपका ई मैक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा Q अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, मेरे ऊपर आ गया क्या अब, बस थोड़ा सा, और ये आ गया थ्री रूट टू आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आएगा, यहां पे ना थ्री रूट थ्री होगा, तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। इसको दोबारा से लिख देता हूं मैं, इस पेज पे E max इज इक्वल टू होगा Q अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर। अब हमें जो देखना है वो देखना है ग्राफ, तो नेक्स्ट क्लास में अपने लोग ग्राफ देखें या इसी में देख लें, अभी देख लेते हैं ज्यादा ही अच्छा रहेगा ना। तो ग्राफ के लिए मैं थोड़ा सा डिजाइन बना देता हूं उसके लिए आपके लिए, फिर बात करते हैं। तो बेटा अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इसका हम देख रहे हैं रिंग के सेंटर से जब दूर जा रहे हैं तो किस तरीके से, यानी कि वलय के हम केंद्र से जब दूर जा रहे हैं तो किस तरीके से वैरी कर रही है। तो देखो सेंटर पे जीरो थी, इसके बाद मैक्सिमम पहुंची, और किस पे पहुंची, जब दूरी का मान था एक्स बराबर आर बाई रूट टू, इस पे मैक्सिमम पहुंची और उसके बाद अपने इंफिनिटी पे ये जीरो हो गई। जब एक्स पॉजिटिव था तो ई भी पॉजिटिव थी, लेकिन जब एक्स नेगेटिव हुआ तो ई भी आपकी नेगेटिव हो गई, तो यानी कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ई की भी
डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और सेम ग्राफ फॉलो करती हुई जाएगी। यानी कि दो जगह हैं ऐसी जहां पर आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, एक तो रिंग के आगे है और एक रिंग के पीछे है। भाई ये वाली भी जो दूरी होगी x इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू होगी। तो ये दो जगह ऐसी है, ठीक है। इस तरीके से पूरा इसकी डिटेल्ड एनालिसिस थी। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, याद है या भूल गए? क्वेश्चन ये था कि एक इनफाइनाइट वायर था, ठीक, सेमी इनफाइनाइट कह सकते हैं या इनफाइनाइट वायर था, जिस पे आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। याद आ रहा है कुछ? कुछ इस तरीके से ये आपका, और फिर ये क्वार्टर ऑफ द रिंग था, या हम कह सकते हैं वलय का एक चौथाई भाग, और फिर ये इनफाइनाइट। यहां पर प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश वितरण था, यहां पर भी प्लस लैम्डा था, इस पर भी लैम्डा था। आपसे पूछा गया था कि इस वृत्त खंड के केंद्र पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर इसकी त्रिज्या आर है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बच्चों याद रखिएगा कि आपको करना क्या है, कि पहले पार्ट में देख लो फिगर। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये क्वार्टर ऑफ द रिंग है यानी कि वलय का एक चौथा हिस्सा, और दूसरा फिर तीसरा फिर इनफाइनाइट। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ओ पर पहले भाग की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, पहले भाग की वजह से अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट यानी कि पहले भाग की वजह से देख रहे हैं। तो बेटा पहले भाग की वजह से देखिएगा क्या बन रहा है यहां पे। पहले भाग की वजह से देखिए, यहां पर देखना है ना, तो आपका अल्फा तो जीरो हो गया लेकिन बीटा 90 डिग्री हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद हो तो। ई परपेंडिकुलर अवे 1, यानी कि इसकी वजह से जो फील्ड आ रही होगी एक तो ऐसे आ रही होगी और एक डाउनवर्ड आ रही होगी, जिसे मैं ई परपेंडिकुलर 1 और ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल 1 कह देता हूं। तो ठीक है, इसकी वजह से जो फील्ड आई वो कुछ इस तरीके से आई, वो कितनी आएगी, ई परपेंडिकुलर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर रेडियस है, और ई पैरेलल का भी सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन जो है वो है अपोजिट। अब अगर आप इस सेकंड वाले क्वार्टर ऑफ द रिंग की वजह से देखें तो इसकी वजह से भी एक ई परपेंडिकुलर अवे आएगी और एक ई पैरेलल अवे आएगी। अगर आप उसको ध्यान दें तो इसकी वजह से जो लैम्डा वाली ये रिंग है, इसकी वजह से ई परपेंडिकुलर अवे किधर की तरफ आएगी, आप इधर की तरफ चल रहे हैं ना, तो इस पे आएगी इधर की तरफ, ये आ गई आपकी ई पैरेलल अवे, और ई परपेंडिकुलर अवे किधर आएगी, वो आएगी इधर की तरफ, ठीक। तो यहां पर भी दोनों की वैल्यू फिर वही होगी, सेकंड है तो ई परपेंडिकुलर 2 जो आएगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। इसी तरीके से ई पैरेलल 2 जो आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गए, इन दोनों को मार दिया, तो ये बचा। अब इस वाले थर्ड वाले वायर की वजह से देखें तो इधर की तरफ, मैं दूसरा कलर का यूज कर रहा हूं, कौन सा लू व्हाइट ले लेता हूं। तो अब मैं थर्ड वायर की वजह से देख रहा हूं, वायर नंबर 3 की वजह से ई पैरेलल अवे तो इस तरीके से आएगा, तो इसने एक को तो कैंसिल कर दिया और एक आएगा ई परपेंडिकुलर अवे जो इस तरीके से आएगा, तो वो कितना आएगा आपका, ये भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही लाएगा। तो ई परपेंडिकुलर अवे और कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, दोनों की वैल्यू ही लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी। फिर से समझिएगा, पहले भाग की वजह से बेटा कैसी फील्ड आएगी, पहले भाग की वजह से दिखाऊं मैं, सेम मैग्नीट्यूड, ये एक ई परपेंडिकुलर अवे ई पैरेलल अवे, ये फर्स्ट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। सेकंड केस की वजह से देखें तो इसमें भी एक ई पैरेलल अवे और दूसरा ई परपेंडिकुलर अवे इस तरीके से आ गया, और तीसरे केस की वजह से देखें तो एक ई पैरेलल अवे और एक ई परपेंडिकुलर अवे। अब आप इन तीनों को देखें तो भाई जब आप ऐड करोगे तो ये वाला भाई इस वाले भाई को मार देगा
और ये वाला भाई जो है इस वाले भाई को मार देगा, तो क्या बचा? एक ये बचा, एक ये बचा। यहां पर मैंने इन दोनों का ही इस्तेमाल किया है और नेट फील्ड जो है आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, जिसकी वैल्यू होगी ई नेट, वो होगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू √2। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ की बात होनी है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। साथ ही साथ गॉस लॉ किस तरीके से है और क्या उसमें और डिटेल हो सकती है एनसीईआरटी से हटके, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ अपने, कि मेरे बच्चे केवल यहीं तक नहीं रहे आईटीजे, वो दुनिया के कोने कोने में जाए, और वो तभी संभव है जब वो अपनी शिक्षा का गुणवत्ता को अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।